मिशन को सक्सेस करने के लिए मैं उन सभी का बहुत आभार प्रकट करूं। दोस्तों आप सबको एक चीज मर प्रोग्राम आज हुआ, कुछ लोग यहां नए भी हैं, हम लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। सभी को पता है 15 अगस्त आने वाली है, 15 अगस्त सभी को पता होगा, 26 जनवरी सभी को पता होगा, 2 अक्टूबर सभी को पता होगा, लेकिन क्या एक दिन आप लोगों के अधिकारों के लिए वो दिन बना है जिस दिन आपका अधिकार मनाया जाता है उसे मानवाधिकार दिवस दिन कहते हैं। मैं उसकी तारीख जानना चाहता हूँ, तारीख क्या है, जिसको पता है वो हाथ उठाए। बस कितने लोग हो यहाँ, वो कितने लोग, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आप तो हमारे साथी गण हैं, हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन यहाँ कम से कम 200 लोग इकट्ठा है, 200 में 10 लोगों का हाथ उठा है, तो बताइए हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कैसे होंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 12 अक्टूबर 1993 से हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। तब से पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस दिन मनाया जाने लगा। आज हम फिर भी अनभिज्ञ हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ये कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, विश्व लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऐसे नहीं कि किसी ने चैरिटेबल संस्था बना ली, ट्रस्ट बना ली, मैं इस ट्रस्ट में हो गया, मैं इस ट्रस्ट में हुआ, ये ऐसी ट्रस्ट नहीं है। इसे समझने का प्रयास करिए, आप लोग जिस बैनर से जुड़े हैं उस बैनर की ताकत क्या है। वो बैनर की ताकत ये नहीं है कि दारू के अड्डे पर जाकर के 500 रुपया फिक्स करवाना, वो बैनर की ताकत ये नहीं है कि हम पता करें कहां पर 2 नंबर का काम चल रहा है। यह बैनर की ताकत यह है कि आप सिविल कोर्ट में खड़े होकर के अपना केस लड़ सकते हैं। कितनी बड़ी ताकत है इसकी, यदि आपको अपने अधिकारों के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में जरा सा भी नॉलेज है। मैं एक मैगजीन भी पब्लिश करता हूं, मैं कहता हूं आप खाली मैगजीन पब्लिश कर लीजिए, आपसे एक वकील बहस नहीं कर पाएगा। कितने लोगों को पता है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट कमेंसेशन एसोसिएशन मैगजीन निकालती है, क्या में किसी को पता है? सिर्फ वो मैगजीन में ह्यूमन राइट्स के लो ही प्रकाशित किए जाते हैं, तो सिर्फ वो लो ही पढ़ने की जरूरत है, मैं खुद अपना केस करने के लिए सक्षम बन जाऊंगा कोर्ट के अंदर। ये इतनी बड़ी ताकत है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट कमेंसेशन एसोसिएशन की। ह्यूमन उसके पहले मैं 2 लाइन ओझा सर के बारे में बोलना चाहता हूं। हमने सोचा था हम ही चाहते हैं आपको, पर आपके चाहने वालों का काफिला निकला। मैंने सोचा था हम ही चाहते हैं आपको, लेकिन आपके चाहने वालों का काफिला निकला। सोचा शिकायत करूं उस रब से, लेकिन वो भी आपका चाहने वाला निकला। तो ये 2 लाइन कहने का जो तात्पर्य था कि जो प्यार, जो पैगाम और जो इसने आप सब का श्री ओझा साहब के साथ है, वो बहुत एहसास के साथ ये हमेशा कहना पड़ रहा है कि आप सब उनके सच्चे सक्रिय और एक्टिव कार्यकर्ता कह लो, पदाधिकारी कह लो, या हमने ये महसूस किया है श्री ओझा साहब के बारे में कि उन्होंने
कभी ये अपने किसी भी पदाधिकारी को ये कोशिश करते हैं कि उसको ये एहसास नहीं कराते, एक मित्र की तरह और एक अपने वड़ील जैसे अपने छोटों को प्यार देता है उस तरह से सबको एक डोरी में बांध के रखा है। तो इसके लिए हम ओझा सर को इस आप सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि श्री ओझा साहब हम सबको इसी तरह हमेशा बांध के रखे। सूरत की आना जी एक आपने एक मित्र अहित का मित्र मंडल एना विषय परिचय आपसे बात करशे एमने सांभळवा ऑडियंस माटे एक लावो छे ત્રણ કલાક સતત બોલી શકે એવા બે બોટલ પાણી પી જઈને પણ બોલી શકે એવા અથા થાકે નહીં એવા એવી પઠાણ સાહેબ વિનંતી કરું એ અહીંના મિત્ર મંડળ વિશે આપણને સમજણ